कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की लोकसभा सांसद सदस्यता रद्द करने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र हो गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में केंद्र की मोदी सरकार का धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को मंडी में सदर कांग्रेस कमेटी के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की मांग भी उठाई है। विरोध रैली के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराकर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी को जो लोगों का प्यार और स्नेह मिला है उससे पूरी भाजपा बौखला गई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो भी व्यक्ति केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। समाज में आज हर वर्ग केंद्र सरकार के इस तानाशाही रवैये से सहमा हुआ है। चंपा ठाकुर पूर्व प्रत्याशी और क्या कुछ कहती है वो अब सुन। ये केंद्र की जो तानाशाही है, आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया जाए और आज हर व्यक्ति सहमा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है उनके पीछे ईडी या सीआईडी लगा दी जाती है। और आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जो पद यात्रा की उससे मोदी जी जो है बहुत डरे हुए हैं। लोगों का प्यार देखकर जो है इनके बुखलाहट आ गई हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो माननीय पूर्व में रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पे उतरने के लिए भी तैयार है।